सब्सक्राइब इंडियन न्यूज एनालिसिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट डिफेंस अपडेट्स। आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं डिफेंस सेक्टर की टॉप अपडेट्स को। और आज के अपने अपडेट की शुरुआत करेंगे हम एक बड़ी अपडेट से, जो कि FICV को लेकर के आ रही है। हाल ही में हमने देखा कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के द्वारा भारतीय सेना के लिए जो 2000 फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स की परचेज है, इनको हरी झंडी दी गई है। और ये आगे चल के जो सोवियत एरा के BMP-2 हैं, इनको रिप्लेस करेंगी। भारत के आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड ने यह कंफर्म कर दिया है कि वो एक नए डिज़ाइन पर काम कर रहे हैं, जो कि 2024 तक रेडी हो जाएगी। और ये डिज़ाइन पूरी तरीके से नई होगी और किसी भी तरह से ये BMP-2 पर आधारित नहीं होने वाली है। और ये फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल इंडियन आर्मी की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडियन प्राइवेट सेक्टर की, तो महिंद्रा डिफेंस, कल्याणी, लार्सन एंड टुब्रो का नाम सामने आया है, जो कि इस प्रकार के प्रोजेक्ट पर इंटरेस्टेड हैं। वहीं इंटरनेशनली बात करें तो यूनाइटेड स्टेट, रशिया और जर्मनी के जो डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्होंने भी अपना इंटरेस्ट दिखाया है। लेकिन जो सबसे स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट दिखाया है वो साउथ कोरिया ने दिखाया है, और माना जा रहा है आगे चल के इन्होंने भी अपने जो प्रोटोटाइप है वो भारत के सामने पेश करने हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट जोरावर लाइट टैंक्स को लेकर के आ रही है। हम सबको पता है कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने हाल ही में 354 जो लाइट टैंक्स हैं, इनकी खरीद को मंजूरी दी है, जो कि हाई एल्टीट्यूड एरियाज में ऑपरेट किए जाने हैं। इसके लिए तकरीबन 16,000 करोड़ रुपए के जो फंड्स हैं, उनको भी हरी झंडी दी गई है। माना जा रहा है कि ये प्रोग्राम फास्ट ट्रैक है और काफ़ी रफ्तार के साथ इसमें काम चल रहा है। DRDO और लार्सन टुब्रो के द्वारा ऑलरेडी इसका जो फैब्रिकेशन है वो शुरू किया जा चुका है। और अब ये रिपोर्ट सामने आई है कि 2023 मध्य तक इन्हें रोल आउट कर दिया जाएगा। इंडियन आर्मी इन टैंक्स का जो ट्रायल है वो शुरू करेगी, और जो इनिशियल प्रोटोटाइप है, इनके ट्रायल 2025 तक कंप्लीट हो जाएंगे। लाइट टैंक की बात करें तो ये 25 टन वजनी होने वाला है, और इसमें एक 1000 हॉर्स पावर का इंजन भी इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि हाई एल्टीट्यूड पर ऑपरेट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम माना जा रहा है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लोटरिंग म्यूनिशन और एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम भी एक अहम भूमिका निभाने वाले हैं। और ये जो टैंक है, ये इंडियन आर्मी की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने में सक्षम भी होंगे। हमारी अगली बड़ी अपडेट स्टॉर्म शैडो यानी MBDA स्कैल्प को लेकर के आ रही है। दोस्तों, MBDA स्कैल्प, जिसको हम स्टॉर्म शैडो के नाम से भी जानते हैं, जो कि एक स्टेल्थ क्रूज मिसाइल है, इसको लेकर के रिपोर्ट सामने आई है, जहां पर बताया जा रहा है कि भारत ने ऑलरेडी यूरोपियन डिफेंस जॉइंट MBDA से बात करनी शुरू कर दी है। और ये बात स्कैल्प क्रूज मिसाइल के लोकल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के की जा रही है। आपको हम बताना चाहेंगे कि जो 36 राफेल जेट की खरीद भारत ने करी है, ये मिसाइल उसके स्ट्राइक पैकेज का हिस्सा है। और इस समय इंडियन एयरफोर्स इसको अपने तेजस मार्क 1A, तेजस मार्क 2 और एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट करना चाहती है, शामिल करना चाहती है। और इसके लिए बाकायदा MBDA से बातचीत भी शुरू हो चुकी है। स्कैल्प एक क्रूज मिसाइल है, जो कि स्टेल्दी है, और ये रडार को स्केप करने में सक्षम है, और ये हाई वैल्यू जो टारगेट होते हैं उनको पेनिट्रेट करने में भी काफ़ी ज़्यादा सक्षम है। इसके पहले भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और MBDA जो ASRAM है उसका निर्माण करते हैं, जो कि एक विद इन विजुअल रेंज की मिसाइल है, जो कि R-73 को रिप्लेस कर रही है। हमारी अगली बड़ी अपडेट टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड से आ रही है। दोस्तों, जर्मन ओरिजिन प्लेटफॉर्म जिसका नाम ग्रॉप G-180 SPN है, उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को प्राप्त करने के बाद और एयरबस C-295 एयरक्राफ्ट के लोकल मैन्युफैक्चरिंग के बाद, अब टाटा ग्रुप की नज़र कुछ और एयरक्राफ्ट पर है। और इसके लिए जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, उनको लेकर के बातचीत चल रही है। टाटा ग्रुप का ये मानना है कि अलग अलग जो एयरक्राफ्ट हैं, अलग अलग कैटेगरी के, इनका निर्माण भारत में किया जाना चाहिए। और इसके लिए वो अलग अलग कंपनियों से बातचीत भी कर रहे हैं। और रिपोर्ट्स में ये क्लेम किया जा रहा है कि बहुत जल्दी कुछ और एयरक्राफ्ट के जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं, उनका इस्तेमाल टाटा के द्वारा किया जाएगा, या वो टाटा को प्राप्त हो जाएंगे। और टाटा, अगर हम बात करें टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड की, तो इनका प्लान ये है कि जो एयरक्राफ्ट है वो ना सिर्फ मिलिट्री पर्पज़ के लिए होंगे, बल्कि सिविलियन जो नीड्स हैं उनको भी पूरा करने में वो एक अहम योगदान देंगे। और इसके लिए बातचीत भी अलग अलग कंपनियों से उन्होंने शुरू कर दी है। टाटा ग्रुप का ये कहना है कि आने वाले समय में भारत एक ग्लोबल एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग हब होगा, जहां पर अलग अलग कंपनियां आकर के भारत में अपने एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करेंगी। हमारी अगली बड़ी अपडेट जापान को लेकर की है। हमने हाल ही में आपको डिफेंस न्यूज़ में बताया कि जापान और इंडिया की जो एक एक्सरसाइज है वो आयोजित होने वाली है, जो कि 26 जनवरी तक चलेगी, जो कि इंडियन एयरफोर्स और जापान की वायुसेना के बीच में होगी। यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के 400 Sukhoi-30 MKI इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और जापान अपने F-15J और F-2 फाइटर्स को उतारेगा। रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि इस एक्सरसाइज के पीछे जापान की जो मंशा है वो ये है कि Sukhoi-30 MKI कैसे परफॉर्म करता है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके बारे में वो इन्फॉर्मेशन प्राप्त करेंगे, क्योंकि जापान और चीन के जो संबंध है वो अच्छे नहीं चल रहे हैं।
और चीन तकरीबन 349 की संख्या में SU-27 और J-11 फाइटर्स को इस्तेमाल करता है, वहीं उनके पास 97 की संख्या में Su-30 प्लेटफॉर्म्स हैं और इसीलिए जापान चाहता है कि इंडियन एयरफोर्स के साथ जो एक्सरसाइज होगी वो उनके अनुभव में बढ़ोतरी करेगी, जो कि आगे चल के उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। रिपोर्ट्स तो ये भी क्लेम करती हैं कि एक्सरसाइज में क्लोज रेंज कॉम्बैट और लॉन्ग रेंज की जो डॉग फाइट्स हैं वो भी होंगी। रिपोर्ट्स एक ये भी क्लेम करती है कि पिछले कुछ वर्षों में एक बड़ा जो इनकाउंटर हुआ था वो जापान की वायुसेना के F-15 और चाइनीज Su-30 के बीच में हुआ था, जहां पर दोनों जेट्स ने एक दूसरे पर रेडार लॉक किया था, लेकिन अंत में चाइनीज जेट वापस चले गए और जो एक संभावित डॉग फाइट थी वो बच गई। रिपोर्ट्स ये भी क्लेम करती हैं US एयरफोर्स की कि एक सिमुलेशन स्टडी में उनको ये पता चला कि अगर SU-30 MKI को सही से ऑपरेट किया गया तो F-15 का जो डॉपलर रेडार है उसके लिए Su-30 MKI को देख पाना और ट्रैक कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसीलिए जापान इसको लेकर के चिंतित है। हालांकि इस समय माना यह भी जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स के लिए भी एक्सरसाइज काफ़ी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि यहाँ पे उनको भी जो नए नए अनुभव हैं वो प्राप्त होंगे। हमारी अगली बड़ी अपडेट रशिया को लेकर के आ रही है। दोस्तों, इस समय रशिया अपनी ताकत को बढ़ाने में लगा है और रशियन मीडिया की बात माने तो इस समय रशिया अपने SU-57 फैलन के जो प्रोडक्शन रेट है उनको बढ़ाने के लिए प्रयासरत है और रिपोर्ट्स में क्लेम किया जा रहा है कि आने वाले समय में कई नई रेजिमेंट जो SU-57 की हैं वो रेज करी जाएंगी। रशिया के जो ये जहाज़ हैं इनको यूक्रेन के अगेंस्ट काफ़ी इफेक्टिव माना गया है और ऑफिशियली रशिया ने एक्सेप्ट किया है कि तकरीबन 4 की संख्या में जो SU-57 थे वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे यूक्रेन के उनके ऑपरेशंस में और जो सीड मिशंस थे वो इनकी सहायता से काफ़ी आसानी से परफॉर्म किए गए। ये एयरक्राफ्ट इतने खास हैं क्योंकि इनको रडार में देखा नहीं जा सकता, ये फिफ्थ जन फाइटर्स हैं और इसीलिए रशिया को इन पर काफ़ी भरोसा है। हालांकि रशियन एयरफोर्स को हाल ही में जो अपग्रेडेड SU-35 फाइटर्स हैं वो भी प्राप्त हुए हैं और अपग्रेडेड जो MiG-31s हैं वो भी रशियन एयरफोर्स को ज्वाइन करना शुरू कर चुके हैं और आने वाले समय में रशिया अपने एयरक्राफ्ट की जो फ्लीट है उसको कई गुना ज़्यादा बढ़ाने वाला है ताकि वो अपनी सिक्योरिटीज़ को इंश्योर कर सके। तो दोस्तों, तुर्की के हुरजेट को लेकर के ये माना जा रहा था कि उसे वर्ष 2023 में रोल आउट किया जाएगा, लेकिन आज एक वीडियो सामने आया है जहां पर देखा जा सकता है कि तुर्की का जो हुरजेट है वो हैंगर से बाहर आ रहा है और इसको माना जा रहा है कि आज तुर्की ने इसे रोल आउट कर दिया है। हुरजेट का कॉम्पिटिशन भारत के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के ट्रेनर वेरियंट से होगा और आपको याद होगा मलेशिया के बारे में जब बात की जाती थी तो वहाँ पर इसका भी नाम सामने आता था और कहा जाता था कि तुर्की ने हुरजेट को लेकर के मलेशिया को काफ़ी जो अट्रैक्टिव ऑफर्स है वो दिए हैं। खैर, अभी अगर हम फाइनल इसके कंडीशंस को देखें तो ये माना जा रहा है कि पहली उड़ान अभी आयोजित नहीं की जाएगी, उसमें टाइम है, लेकिन तुर्की जिस प्रकार से अपने एविएशन इंडस्ट्री के लिए काम कर रहा है वो काफ़ी ज़्यादा काबिले तारीफ है, क्योंकि हाल ही में हमने देखा कि जिल एलमा की जो पहली उड़ान थी उनके द्वारा आयोजित करी गई है जो कि रिकॉर्ड है और वो सुपरसोनिक जो वेरियंट है उस पर भी काम उन्होंने शुरू कर दिया है और इस प्रकार के जो प्रोजेक्ट हैं ये तुर्की के डिफेंस इंडस्ट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। तो आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं, जय हिंद।